इस समय हम अयोध्या की पावन धरती पर हैं और प्रमोद जी इस समय मेरे साथ है, क्योंकि देखिए भारत तिब्बत सहयोग मंच का दो दिन से बैठक हो रहा है और बैठक में एक प्रमुख मुद्दा है कि तिब्बत को चाइना से आज़ाद कराना है। प्रमोद जी अयोध्या की पावन धरती पर हैं, रामलला के जन्म स्थान पर हैं हम, और तिब्बत को आज़ाद करने की बात कर रहा है भारत तिब्बत सहयोग मंच। अच्छी बात है, लेकिन आज़ाद होगा कैसे चाइना के चंगुल से? ऐसा है, जो प्रश्न आपने किया है अयोध्या की भूमि पर खड़े होकर के, उसका जवाब आज आपके सामने अयोध्या की धरती से साक्षात रूप से है। आज से 50 साल 10 साल 20 साल पहले ये कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन सकता, कैसे बनेगा, ये असंभव है, हैं। लेकिन आप आज उसको व्यवहारिक रूप से इस भूमि पर खड़े होकर मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, हैं, और इस भूमि पर आप खड़े होकर ये सवाल करें तो इस सवाल का आज इस धरती पर कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, विस्तारवादी नीति है चाइना की, और आप कह रहे हैं कि, मैं आपका एक पेम्पलेट भी पढ़ रहा था, उस पर लिखा था कि जिस दिन अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाएगी चाइना की, उस दिन तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहिष्कार करना पड़ेगा संपूर्ण तरीके से चाइना का। नहीं, चाइना का बहिष्कार करने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसका बहिष्कार अपने आप अपने कर्मों से हो जाएगा, और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि पूरा विश्व इस राह पे चल पड़ा है। ये एक आवाज़ है जो शुरू हुई थी भारत तिब्बत सहयोग मंच के नाम पे 5 मई 1999 को, वो वहाँ से चलकर आज यहाँ पहुँची और बहुत दूर तक जाएगी। और उस आवाज़ ने आज देखा होगा कि विश्व के बहुत सारे देशों ने चाइना के बहुत सारे सामानों पर प्रतिबंध लगा दिया, चाहे वो सोशल मीडिया में चोरी करता हो, साइटों को हैक करता हो, डुप्लीकेट सामान बनाता हो। आप देख रहे होंगे कोरोना काल में भी बहुत सारे देशों को उसने हेल्थ सामग्री दी और वो सब नकारा निकली और वापस भेजी गई। तो चाइना का काम है ठगी करना, नकलीपन करना, वो धीरे धीरे उसका पर्दाफाश हो रहा है। और देश में एक जागरूकता आई है कि चीन के ख़िलाफ़, और ये लोगों को समझ में आई है जो भारत तिब्बत सहयोग मंच अपने मंच के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता है, जन जागरूक अभियान चला रहा है और इसको बड़ा करना चाहता है कि जब तक देश की हम तरक्की चाह रहे हैं, जब तक हम चीन की आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे और स्वदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक चीन को अकल नहीं आएगी। उसी रूप में आप देखेंगे सरकार ने भी इस विषय का समर्थन करते हुए, उनको भी हमारे विषय पर ध्यान करने पे मजबूर हुआ, सरकार को मजबूर हुई है, और बहुत सारी ऐप पर उन्होंने बैन लगाया, बहुत सारे सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई और उसको बैन किया है। लेकिन सारा काम कभी सरकार नहीं कर सकती, अब ये हमारे देश के लोगों पर है, इस विषय को समझें और उनके सामान को उपयोग करना बंद करें। आप देखेंगे आज से 5 साल पहले 7 साल पहले हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार आता था, लेकिन हाथों पे कलाइयों पे जो राखी होती थी वो चाइनीज होती थी, आज वो 2% बची है, वो भी बची है। तो अगर आप दिवाली की बात करेंगे, दिवाली पर पहले 100% जो सामान था वो चाइना का होता था, लेकिन आज हमने ज़्यादा भी नहीं कहेंगे आधे से ज़्यादा कामयाबी प्राप्त कर ली है। आप अब और सारे त्यौहार देखेंगे, आप खिलौने के लिए देखेंगे, घर ये निकाला जाए कि पहले लोग आलसी थे और जानकारी नहीं थी कि क्या सामान खरीदना है क्या सामान नहीं खरीदना है। अगर हम स्वदेशी खरीदेंगे तो हमें ही हमारा ही बेनिफिट होगा, और जाने अनजाने में जो है वो चाइना को बेनिफिट मिल रहा था। ऐसा है कि आलसी हम अपने देश के लोगों को बिल्कुल नहीं कहेंगे, अगर हमारे देश के लोग आलसी होते तो ये विश्व गुरु नहीं कहलाता, यहाँ पूरे विश्व को ये ज्ञान देने वाला देश नहीं होता। ये हमारे देश के लोग बहुत जागरूक हैं और एक्टिव हैं। हाँ, विषय का ज्ञान नहीं है, कुछ काल ऐसा गया जिसमें हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया गया, हमारे सिस्टम को बदल दिया गया, उसके कारण से लोगों को पता ही नहीं कि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है और तिब्बत पे चीन का अवैध कब्जा है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो एकमात्र देश तिब्बत है जो आज गुलाम है, बाकी सब देश आज़ाद हो चुके हैं।
तो उसी की जानकारी देने के लिए हमारे देवों के देव महादेव, उनका निवास स्थान है कैलाश मानसरोवर, वो आज पराधीन है, उसकी मुक्ति के लिए हम अभियान चलाएं, जन जागरण अभियान चलाएं। जिस प्रकार से राम नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि जहाज की बात छोड़ दीजिए, जहाज का सपना मत देखिए, गाड़ी में लेकर जाएंगे आपको, वो भी बिना विजय पासवर्ड के। देखो सरकार अपने तरीके से अपना काम कर रही है, अपना प्रयास कर रही है, आज देश में एक सार्थक सरकार है, तो सार्थक प्रयास होने शुरू हो गए हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब तक जन जागरण नहीं होगा, जनता को विषय की जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक वो काम पूरा हो भी जाए तो उसको हम अधूरा मानते हैं। क्यों मानते हैं अधूरा? क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। हम शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, यहाँ चढ़ाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आज वो पराधीन है। आज अयोध्या की जन्मभूमि पर हम खड़े हैं, तो जिस प्रकार से ये आंदोलन वर्षों पूर्व शुरू हुआ और उसमें हमने विजय प्राप्त की, देश के सारे विश्व के 200 करोड़ हिंदुओं की विजय है, उसी प्रकार से ये भी एक अलग प्रकार से कैलाश मानसरोवर की लड़ाई है, उसकी भी मुक्ति के लिए ये अभियान चल रहा है। हाँ, राम मंदिर की मुक्ति के लिए, निर्माण के लिए अलग प्रकार की लड़ाई थी, अलग प्रकार की योजना थी, लेकिन कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए अलग प्रकार की योजना और अभियान है, उसी पे ये संगठन काम कर रहा है। कब तक मुक्ति होगी? कब तक हम ये बता सकते हैं कि मैं कितने दिन जिंदा रहूँगा? अभी आपसे बात करते करते मैं हूँ या नहीं मैं, लेकिन अगर मेरा विश्वास है, मैं 1992 में कार सेवा के टाइम 15 साल की उम्र में इस भूमि पर कार सेवकों में एक शामिल होकर के मेरे को भी आने का सौभाग्य मिला, लेकिन हमने मन में एक ये ठाना था, हमारी भगवान प्रभु से यही एक अर्जी है कि हम अपने इन आँखों से राम मंदिर बनता हुआ देख के जाएं, और आज वो मंदिर बन रहा है, प्रभु ने वो इच्छा हमारी पूरी करी। इसी प्रकार आज हम ये कामना करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी ये आँख बंद होने से पहले कैलाश मानसरोवर को मुक्त होता हुआ देख लें। चलिए, तो प्रमोद जी कह रहे हैं कि सांस बंद होने से पहले, ये पलकें झपकने से पहले ये चाहते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो है वो मुक्त हो जाए, यानी कि जो अवैध कब्जा इस समय चाइना का तिब्बत पर है, तिब्बत आज़ाद होगा तो स्वाभाविक है कि कैलाश मानसरोवर जो है वो अपने आप ही स्वतंत्र हो जाएगा। हालांकि उस पर किसी का बस नहीं है, महादेव सबकी रक्षा करते हैं, किसी को नहीं, किसी की रक्षा की उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे हैं, मेरी आपकी हम सब भक्तों की ये आस्था है कि हम ये चाहते हैं कि कैलाश मानसरोवर जो है उस पर से, यानी कि तिब्बत पर से जो है वो अवैध कब्जा चाइना हटा दे अपना, और जैसा कि नितिन गडकरी ने कहा है कि हेलीकॉप्टर या जहाज़ भूल जाइए जनाब, आपको बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के हम कैलाश मानसरोवर लेकर बताएंगे, और ये दिन बहुत जल्दी आ जाए। आप लोग देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन, मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।